नमस्कार दोस्तों, अगर आप रिलायंस जियो के कस्टमर हैं तो रिलायंस जियो आपको बहुत तगड़ा झटका देने जा रहा है। जी हाँ, कल यानी 10 अक्टूबर 2019 से अगर आप रिलायंस जियो का यूज़र हैं, सिम इस्तेमाल करते हैं प्रीपेड पोस्ट पेड, तो हर कॉल अगर आप जो जियो से एनी अदर नेटवर्क कॉल करेंगे तो आपको 6 पैसे पर मिनट चार्ज किया जाएगा। जी हाँ, जियो टू जियो जो है कॉल्स फ्री रहेंगे, लेकिन किसी भी दूसरे नेटवर्क को आप कॉल करेंगे तो 6 पैसे आपको लगेंगे। अब ये चार्जेस क्यों ले रहा है, ऐसा बदलाव क्यों किया गया है, ये आपको थोड़ा हम बता दें। देखिए, जब कभी भी आप किसी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को कॉल करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आप जियो से अगर एयरटेल को कॉल करते हैं या फिर वोडाफोन या आइडिया किसी को कॉल करते हैं, तो जिस नेटवर्क से आप कॉल कर रहे हैं दूसरे नेटवर्क, वो नेटवर्क वाला हर मिनट का 6 पैसा देता है दूसरे नेटवर्क को। ये चार्जेस जो है गवर्नमेंट ने लगाए हैं, इसे कहते हैं इंटरकनेक्ट यूजर चार्जेस, IUC चार्जेस कहते हैं, और गवर्नमेंट ने ये आज से नहीं बहुत पहले से लगाए हैं। हालांकि जियो ने जो जब से लॉन्च किया है 2016 से जियो, उस समय से इस पे लॉस सहते आ रहा है, और कस्टमर क्या कर रहे हैं कि जियो कहना है कि मैक्सिमम जो है अदर कस्टमर्स आइडिया या फिर एयरटेल वाले मिस कॉल करते हैं और जियो से वापस जो है कॉल बैक किया जाता है जो दूसरे कस्टमर हैं। तो इसके चलते जियो को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, और फिर भी ये मैनेज करके चल रहा था। लेकिन गवर्नमेंट ने ये कहा था कि 1 जनवरी 2020 से जो ये IUC चार्जेस हैं उसे हटाने जा रहा था, लेकिन पुनः फिर गवर्नमेंट ने अभी कहा है कि हम इस पे अभी पुनः विचार करेंगे, ये जरूरी नहीं है कि हम हटाएंगे। इसलिए ये जो जियो है कि मैं क्यों, जियो ने सोचा कि क्यों मैं इस पे नुकसान सहूं, ये एक टेम्प्रोरी डिसीजन, हालांकि परमानेंट ये डिसीजन नहीं हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट जो है IUC चार्जेस हटा दे, नील कर दे अगर, तो फिर वापस से सारे कॉल जो है जियो फ्री कर दे। लेकिन फिलहाल के लिए कल से यानी 10 अक्टूबर से आपको जो चार्जेस हैं वो 6 पैसे जियो टू एनी अदर आप कॉल करेंगे तो आपको पड़ेंगे। और हालांकि जियो ने कहा है कि जो चार्जेस हम आपसे लेंगे वो इस तरह का एक नया प्लान यहाँ पे ऑफर किया है, 10 रुपये के रिचार्ज में आपको 1 GB डेटा, जितना आप रिचार्ज करेंगे उस हिसाब से आप ये मान के चलिए कि हम डेटा आपको उसके हिसाब से कंपैरेटिवली फ्री में दिया जा रहा है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, ये लिस्ट है, ये चार्ट है, इसको आप देख लीजिए, और इस हिसाब से आपको डेटा फ्री में मिलने वाला है। अब जो है एयरटेल और आइडिया यूजर्स भी यकीनन बहुत जरूरी है, बहुत पक्का मैं कह सकता हूँ कि आइडिया और एयरटेल भी ये चीज़ें बहुत जल्दी लागू करेंगे, और उसके उनके चार्जेस और महंगे भी हों, तो ये एक बैड न्यूज़ था जियो कस्टमर्स के लिए। तो हम आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।